साल 1932 में एक गुलाम देश के रूप में अपने क्रिकेट सफर का आगाज करने वाली भारतीय टीम को तब शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी न केवल समृद्ध होती जाएगी बल्कि अगले 80 सालों में ही विश्व क्रिकेट का सिरमौर बन जाएगी और देश को अपने सामने शीश नवाने पर मजबूर कर देगी जो तब उन पर राज कर रहा था। साल 1932 में कर्नल नायडू के साथ शुरू हुआ यह सफर आज रोहित शर्मा तक आ पहुंचा। पीढ़ियां गुजर गई, किसी ने लाला साहब की बैटिंग के किस्से सुनाए, किसी ने गावस्कर के, तो किसी ने कपिल देव के हरफन मौला किस्से। हम खुद महान सचिन तेंदुलकर को देखकर बड़ी हुई जनरेशन है। भगवान करे कि आगे भी भारतीय क्रिकेट ऐसे ही फलता फूलता रहे और हम अपने बीते हुए हर पल हर लम्हों पर गर्व महसूस कर सके। साल आएंगे जाएंगे, कप्तान बनेंगे बदलेंगे, लेकिन जो स्मृतियां 1983 और 2011 के विश्व कप की हैं उन पर आने वाली पीढ़ियां हमेशा फख्र करेंगी। नमस्कार दोस्तों, नारव टीवी की खास पेशकश डियर एरा वर्सेस आवर एरा में आज हम उन दो मौकों की बात करेंगे जिसमें से पहले ने हमारे पूर्व की पीढ़ी और दूसरे ने हमारी पीढ़ी को सबसे अधिक गौरवान्वित करने वाले पल दिए। 1983 विश्व कप की जीत का जो जश्न हमारे पिताजी दादाजी ने मनाया था वही मौका हमें 2011 में मिला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नारद टीवी कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पूरी टीम को उन लम्हों को हमें सौंपने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करती है। साल 1974 में अजीत वाटेकर की कप्तानी में पहला एक दिवसीय मैच खेलने वाली टीम ने उसके महज 9 साल बाद इतिहास रच दिया। युवा कप्तान कपिल देव की अगुवाई में टीम ने वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम को हराकर 1983 विश्व कप खिताब अपने नाम किया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें भी वह कारनामा नहीं कर पाई जो भारत ने कर दिखाया था। 1983 के विश्व कप से पहले हुए 2 विश्व कप में हम महज एक ही मैच जीत पाए थे, इसलिए जब 83 के विश्व कप के लिए खिलाड़ियों की रवानगी हुई तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि भारत जाएगा और जाते ही वापस आ जाएगा। कई खिलाड़ियां छुट्टी मना रहे थे, कई इस इंग्लैंड टूर को हॉलीडे टूर मानकर चल रहे थे, कुछ का प्लान तो इंग्लैंड से छुट्टियां मनाने सीधे अमेरिका जाना था। मैनेजर पीआर मानसिंह जब खिलाड़ियों का साजो सामान लेने बीसीसीआई ऑफिस आए तो उनको भारत वापसी की तारीख बता दी गई 20 जून से पहले पहले, जबकि टूर्नामेंट 25 को खत्म होना था। आज जैसा हाल जिम्बाब्वे का है ठीक वैसा ही हाल भारत का भी था, एकदम अंडरडॉग्स। लेकिन एक खिलाड़ी था जिसके सपने उस वक्त अजूबे से लग रहे थे, 24 साल का कप्तान कपिल देव। टूटी फूटी अंग्रेजी के साथ जब उसने पत्रकारों को जवाब दिया कि वी हियर टू विन, तो उसके बगल में बैठे पीआर मानसिंह को मानो तभी अंदेशा हो गया था, इस बारी वर्ल्ड कप हमारा है। टीम भी स्ट्रांग थी, सनी गावस्कर, मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ जैसे अनुभवी, श्रीकांत, कपिल, शास्त्री और यशपाल जैसे युवा टैलेंटेड खिलाड़ी। कमी थी तो उस आत्मविश्वास की जो उस वक्त सिर्फ कपिल देव के पास था, बस डर था तो सिर्फ वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी लाइनअप का, क्योंकि पिछले 2 विश्व कप जीत में इन गेंदबाजों ने ही वेस्टइंडीज को खिताब जितवाया था और भारत का ग्रुप मैच भी इस वेस्टइंडीज के खिलाफ था, वो भी पहला। यशपाल के शानदार 89 रनों की बदौलत 262 रन का एक अच्छा स्कोर था, लेकिन सामने थे सर विवियन रिचर्ड्स जैसे आक्रामक बल्लेबाज। लेकिन हम 35 रनों से मैच जीत गए। यहाँ जिस भारत की तारीफ होनी चाहिए थी उसकी जीत को पश्चिमी देशों ने तुक्का करार दे दिया। भारतीय क्रिकेट कलियारों में भी इसे महज एक इत्तेफाक ही माना गया। खैर, दूसरे मैच में डेब्यूटेंट जिम्बाब्वे को भी हमने हरा दिया। अब बारी थी उस इत्तेफाक को गलत साबित करने की। हमारे सामने थी ऑस्ट्रेलिया। नेट प्रैक्टिस खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच डोल सी रही थी। पलड़ा किस तरफ गिरता यह मैच का परिणाम ही बताने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने कपिल के 5 विकेट हॉल के बावजूद 320 रन बना डाले, यानी बाकी गेंदबाज भटके हुए थे। बाकी योगदान बल्लेबाजों ने 158 पर ऑल आउट होकर दिया। टीम 162 रनों से हार गई। उधर पहली हार से बौखलाई वेस्टइंडीज सामने आने वाली हर टीम को बुरी तरह से हरा रही थी। पहले मैच में विवियन रिचर्ड्स से बचे भारतीय गेंदबाजों को दूसरे मैच में कोई नहीं बचा पाया। उनके 119 रनों की बदौलत इस बार वेस्टइंडीज ने 282 रन टांग दिए और हम महज 216 ही बना पाए। अब मीडिया गलियारों में बात फैल चुकी थी कि भारत का सफर समाप्ति की ओर है और 20 या 21 फ्लाइट से खिलाड़ी अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। यह बात और पुख्ता हो गई जब जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में पहले 5 खिलाड़ी महज 17 रनों के भीतर आउट हो चले। हालांकि वो मैच टेलीकास्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह पहले तो बीबीसी की हड़ताल बताई गई, बाद में मानसिंह ने बताया कि कम रुचि के कारण इसका प्रसारण नहीं हुआ। खैर, स्टेडियम में बैठे लोग उस दिन एक ऐसी पारी देखने जा रहे थे जो शायद उन्हें बाद में कभी देखने को नहीं मिलने वाली थी। कपिल के शानदार 175 रनों ने 266 रनों के स्कोर खड़ा कर दिया और सामने जिम्बाब्वे 235 रनों पर निपट गई। हम अभी भी टूर्नामेंट में बने हुए थे। भारत की बल्लेबाजी तो मजबूत हो रही थी, लेकिन सनी साहब का बल्ला खामोश रहा। बल्कि एक टीम मीटिंग में कपिल ने गावस्कर को रन बनाने की सलाह दे डाली। गेंदबाजों में धार लाने की जरूरत महसूस हो रही थी, जिसकी पूर्ति अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 129 रन पर ऑल आउट कर हमारे गेंदबाजों ने कर दी। हम मदन लाल, बिन्नी, संधू, कपिल, रवि
सब फॉर्म में आ गए थे। फ्लाइट्स कैंसिल कराई गई। भारत पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में खेल रहा था। मौका था पहले सेमीफाइनल का। आमने सामने थे भारत और इंग्लैंड। गेंदबाजी का निमंत्रण स्वीकार कर भारत ने इंग्लैंड को 213 पर समेट दिया। कपिल ने शानदार 3 विकेट चटकाए। जीतने के इरादे से उतरी भारत ने यशपाल के 61 की बदौलत मैच जीत लिया। अब भारत के अखबारों के पहले पेज पर यही खबरें चल रही थी कि भारत विश्व कप के फाइनल में मुकाबला वेस्टइंडीज से। यह पल यकीन से परे था। कल तक इस विश्व कप टूर को छुट्टियां मानने वाली टीम आज खिताब से एक जीत दूर थी। ब्रितानिया, ऑस्ट्रेलिया सब पीछे रह गए थे। युवा कप्तान ने काया पलट कर दिया था। 25 जून 1983 भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे पवित्र तारीखों में से। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। उम्मीदें बहुत थी लेकिन शुरुआती जोरदार झटका लगा। रॉबर्ट्स की कातिलाना गेंदबाजी से हम महज 183 पर सिमट गए। दबाव साफ साफ झलक रहा था। जीतने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी सिवाय एक के। उस खिलाड़ी ने ड्रेसिंग रूम में एक बात कही, परिणाम कुछ भी हो हम लड़ेंगे। वेस्टइंडीज को भी तो 183 ही बनाने हैं जो कि एक रन से शुरू होते हैं। इस बात ने गेंदबाजों में एक अलग सा जोश भर दिया। 5 रनों के स्कोर पर गार्डन ग्रैंडिस आउट हुए। 57 रन पर स्कोर था 2 विकेट। मदन लाल गुस्से से लाल थे क्योंकि पिछले ओवर में रिचर्ड्स उनको 3 चौके जड़ चुके थे। जितकर मंदीपा ने कपिल से एक और ओवर मांगा और उस ओवर की एक शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने गए सर विव का वो कैच जैसे ही कपिल ने पीछे भागते हुए पकड़ा, पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। वह केवल मैच नहीं था बल्कि भारत की जीत की गारंटी भी था। और जैसे ही रेडियो पर आवाज आई, अमरनाथ किए गए सीधे होल्डिंग के पैर से टकराई है, खिलाड़ी जोरदार अपील कर रहे हैं और ये आउट, माइकल होल्डिंग आउट। विश्व कप का खिताब, हिंदुस्तान के नाम, हम विश्व कप जीत चुके थे। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग रहे थे। पूरा मैदान तिरंगे से भर चुका था और हमारी वाली पीढ़ी को कपिल देव की वो तस्वीर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें वो लॉर्ड्स की बालकनी में विश्व कप की ट्रॉफी पकड़े मुस्कुरा रहे थे। आजाद हिंदुस्तान ने पहली बार एक साथ दिवाली और होली मनाई। बधाइयों का तांता लग गया और हमारे पिताजी वाली पीढ़ी खुशी से झूम उठी। आंखों में आंसू तो थे लेकिन वो जिस खुशी के आंसू थे उसका अनुमान लगा पाना तब भी असंभव था और आज भी असंभव है। उसके बाद हुए विश्व कप में हम ठीक ठाक खेले, जैसे 87 में सेमीफाइनल, 96 में सेमीफाइनल और 2003 का फाइनल। 2007 का वो दौर भी याद है जब हम और हमारे पड़ोसी एक साथ बाहर हो गए। पहले तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये क्या हुआ। खैर, अब तक एक ही चर्चा गूंज रही थी, भाई अगले वाला हमारे ही है और सचिन शायद खेलेगा तो उसके लिए वो टूर्नामेंट हम जीत कर रहेंगे। साल 2011 का विश्व कप, पहले मैच में बांग्लादेश को हराकर पिछले विश्व कप की हार का बदला चुकता किया गया। पहली बार पूरा देश, सभी खिलाड़ी केवल एक ही उद्देश्य के साथ मैदान में उतरे थे। यह विश्व कप उनको कैसे भी सचिन तेंदुलकर के लिए जीतना ही है। पूरे देश में त्योहार का माहौल था। शाम को नुक्कड़ों पर यही चर्चा होती थी कि सचिन 100 शतक कब बनाएगा, क्या हम लोग सेमीफाइनल में जाएंगे, क्या फाइनल में सचिन का शतक आएगा। इन सभी अपेक्षाओं के साथ हमने धीरे धीरे विश्व कप का सफर आगे की ओर तय किया। यह टीम 1983 वाली से जुदा थी क्योंकि विराट, यूसुफ और कुछ खिलाड़ियों के अलावा सभी अनुभवी थे। 22 वर्ष का सचिन का अनुभव, जहीर भज्जू की जोड़ी, सहवाग गंभीर की सलामी बल्लेबाजी, युवराज जैसा हरफन मौला, सब कुछ हमारे पक्ष में था। केवल साउथ अफ्रीका से हार मिली हमें, बाकी मैच में हमारा प्रभुत्व रहा। और अब हम जा पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। सामने थी विश्व विजयी ऑस्ट्रेलिया। हालांकि उसकी जीत का रथ पाकिस्तान ने रोक दिया था लेकिन पॉन्टिंग जैसे जादुई कप्तान से ऑस्ट्रेलिया को बहुत उम्मीदें थी। ऑस्ट्रेलिया उतरा बैटिंग करने। पूरे विश्व कप में खामोश रहे पंटर ने 104 रन ठोक डाले। ये कुछ कुछ 2003 विश्व कप का जख्म हरा कर रहा था लेकिन पंटर को इस बार डोविन मार्टिन जैसा जोड़ीदार नहीं मिला और कंगारुओं का स्कोर रहा 260। 2003 में फाइनल में फ्लॉप रहे सचिन ने इस बार 53 रनों की पारी खेली लेकिन हीरो बने युवराज सिंह। 48वें ओवर की चौथी गेंद पर यूवी द्वारा कवर की ओर चौका मारकर हम सेमीफाइनल में जा पहुंचे। अब सामने थी पाकिस्तान जो पूरे टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी की गेंदबाजी के दम पर खतरनाक फॉर्म में थी। अफरीदी पहले 3 मैचों में ही 14 विकेट चटका चुके थे। मोहाली के मैदान में भारत बल्लेबाजी करने के लिए उतरा। गुल को एक ओवर में 5 चौके जड़ने वाले सहवाग जल्दी आउट हो गए। सचिन ने एक छोर संभाले रखा। कितनी बार उनको जीवन दान मिला जिसके चलते उन्होंने शानदार 85 रन बनाए और अंत में रैना की 36 बहुमूल्य रनों की बदौलत हमने 260 का स्कोर खड़ा किया। ये भी तो खाता नहीं खोल सके और विराट 9 पर आउट हो गए। स्कोर कम था लेकिन फाइटिंग लेवल का तो था ही। पाकिस्तान ने जवाब में तेज बल्लेबाजी शुरू की। 8 ओवर में 40 रन जोड़ दिए लेकिन 103 पर 2 से पाकिस्तान 150 पर 6 तक जा पहुंचा। कारण युवराज सिंह की गेंदबाजी। लेकिन 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह आज भी मिसबाह डटे हुए थे। हालांकि बाकी बल्लेबाज आयाराम गयाराम की तर्ज पर आउट होते रहे। 299 लीगल गेंद पर जहीर खान ने लॉन्ग ऑन पर उनको विराट के हाथों कैच आउट करवा कर भारत को फाइनल में वानखेड़े का टिकट दिला दिया। 2 अप्रैल 2011 का दिन, श्रीलंका लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रही थी और भारत कुल मिलाकर 3री बार। टॉस हुआ थोड़ी गड़बड़ी के साथ। टॉस जीतकर श्रीलंका बल्लेबाजी करने लगी। 2003 के पॉन्टिंग की याद जयवर्धने ने ताजा कर दी और एक शानदार नाबाद शतक बना डाला।
हालांकि उसके बाद सर्वाधिक स्कोर संगकारा का 48 रन था। उनका विकेट यूवी ने चटका कर राहत की सांस लेने दी, वरना एक बार तो मॉर्टिन पोंटिंग याद आने लग गए थे। अंतिम ओवर में तेजी से बैटिंग के चलते स्कोर जा पहुंचा 274 रन। लक्ष्य बड़ा था लेकिन असंभव नहीं। जवाब देने उतरी भारतीय टीम के ओपनर सहवाग दूसरी गेंद पर चलते बने। हालांकि सचिन अच्छे टेस्ट में नजर आ रहे थे और वो आइकॉनिक स्ट्रेट ड्राइव ने इसे और पुख्ता कर दिया, लेकिन मलिंगा की बाहर निकलती गेंद को छोड़कर सचिन सांगा को कैच थमा बैठे। मुंबई शांत हो चुकी थी। 2003 फाइनल वाला क्षण आंखों के सामने गूंज रहा था। टीवी और रेडियो बंद हो चुके थे। हर किसी की जुबान पर एक ही आवाज थी, इस साल भी गया कपास से। लेकिन गंभीर और कोहली सचिन को विश्व कप दिलाने के मूड में थे। दोनों ने 83 रन जोड़े और कोहली को दिलशान ने बेहतरीन कॉटन बोल्ड किया। सबको चौंकाते हुए धोनी ग्राउंड पर उतर आए और तेजी से खेलने लगे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था और उनसे उम्मीद भी थी। पूरा देश गंभीर धोनी शो देख रहा था। धोनी का हरेक चौका हमें जीत की तरफ ले जा रहा था कि तभी गौती 97 रनों पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब सीन था 52 पर 52। धोनी थोड़ा और तेज हुए, साथ में यूवी ने भी भरपूर साथ दिया। 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि शास्त्री की कमेंट्री, धोनी ऑन स्ट्राइक, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 20 इयर्स, पार्टी स्टार्ट्स इन ड्रेसिंग रूम एंड इट्स इंडियन कैप्टन हु वाज आउटस्टैंडिंग टुनाइट। बस फिर क्या बच्चे क्या बूढ़े, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। देश विदेश से बधाइयों का तांता लग गया। हम जीत चुके थे। सचिन तेंदुलकर के लिए की गई प्रार्थनाएं, हार्ड वर्क, सब सफल हो गया। एक तपस्वी को उसके 22 वर्षों का फल मिल गया था। यादें अभी धुंधली नहीं हुई है, लेकिन सचिन का तिरंगा हाथ में लेकर स्टेडियम का चक्कर लगाना आज भी यादें ताजा कर देता है। गंभीर, धोनी, युवी, जहीर, वीरू, भज्जी अभिभावक थे। हम शीर्ष पर थे, चोटी पर, सबसे ऊपर और सबसे खूबसूरत लम्हों के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन दोनों विश्व कप को देखने का अनुभव आपका कैसा रहा? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।